शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आदिल खान की उम्र 63 साल थी। आलम इस्लाम के मरूफ इल्मी शख्सियत शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान के बड़े साहबजादे थे। 1973 में दीनी दरसगाह जामिया फारूकिया से ही सनत फरागत हासिल की। कराची यूनिवर्सिटी से 1976 में बीए ह्यूमन साइंस, 1978 में एमए अरेबिक और 1992 में इस्लामिक कल्चर में पीएचडी की। 1980 में उर्दू, इंग्लिश और अरबी में छपने वाले रिसाले अल फारूक के तहाल एडिटर रहे। तहरीक सवाद आजम में अपने वालिद मोहतरम मौलाना सलीमुल्लाह खान के शाना बशाना रहे। 1986 से 2010 तक जामिया फारूकिया कराची के सेक्रेटरी जनरल रहे और इसी दौरान अपने अपने वालिद से मिलकर जामिया की बहुत सी तालीमी और तामीरी मनसूबों की तकमील की। फिर कुछ अरसा अमरीका में मुकीम रहे और जहाँ एक बड़ा इस्लामी सेंटर कायम किया। मलेशिया कौलालंपुर की मशहूर यूनिवर्सिटी में 2010 से 2018 तक कलीदा मुआरिफुल वही और इंसानी उलूम में बतौर प्रोफेसर खिदमत अंजाम दी। 2018 रिसर्च और तसन्नुफ और तहकीकात में मलेशिया हायर एजुकेशन की जानिब से 5-स्टार रैंकिंग अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड आपको मलेशिया के सदर के हाथों से दिया गया था। विफाकुल मदारस अल अरबिया के मरकजी कमेटी के सीनियर रुकन और विफाकुल मदारस के मालियात निसाबी और दस्तूरी कमेटी जैसी बहुत सी अहम कमेटियों के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब को उर्दू, इंग्लिश और अरबी समेत कई जबानों पर उबूर हासिल था। वो बेहतरीन मुअल्लिम, खतीब और अदीब होने के साथ साथ उलूमुल कुरान, उलूमुल हदीस, तारीफुल इस्लाम, इस्लामी दुनिया, इस्लामी मआशियात, इखलाकी और फिकी मसाइल, आयात अहकाम कुरान और अहकाम फिल हदीस, मकासद शरिया, तारीख इस्लाम, खासकर तारीख पाकिस्तान और उर्दू और अरबी अदब जैसे मौजूआत पर दिलचस्पी रखते थे। 2017 में वालिद मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह इंतकाल कर गए। इंतकाल के बाद पाकिस्तान वापस आए, दीनी दरसगाह जामिया फारूकिया के दोनों शाखों का निजाम व नसख संभाला और शेखुल हदीस के ओहदे पर फाइज हुए। बाद आजा जामिया फारूकिया शाह फैसल अपने भाई मौलाना अब्दुल्ला खालिद के हवाले करके अपनी तमाम तर तवज्जो जामिया फारूकिया पर मरकूज की, जिसको वो एक जदीद खालिस अरबी पर मबनी तालीमी इदारा और यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। आप जामिया फारूकिया शाह फैसल के सरपरस्त और मोहतमिम थे।